वेलकम टू सोशल। कपिल शर्मा एक ऐसे कॉमेडियन हैं जिनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। एक छोटे शहर से आने वाले कपिल ने कॉमेडी की दुनिया में बहुत नाम कमाया है, पर आजकल कपिल अपनी कॉमेडी से ज्यादा उनकी लाइफ से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से चर्चा में है। इस वीडियो में हम आपको कपिल की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कपिल के स्ट्रगलिंग डेज। कपिल ने अपना करियर एज अ थिएटर आर्टिस्ट शुरू किया था और कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो पार्ट टाइम थिएटर सिखाया करते थे। अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने पीसीओ में भी जॉब की है और पंजाबी कोरस ग्रुप का हिस्सा भी वो रह चुके हैं, जिसके एक शो के लिए उन्हें 300 रुपये मिला करते थे। ऐसा करते करते कपिल ने 10 साल तक स्ट्रगल किया। फिर अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने मन बना लिया कि वो थिएटर और सिंगिंग की जगह स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। इसी वजह से उन्होंने पंजाबी कॉमेडी शो हंसते रहो में हिस्सा लिया और उसके बाद कपिल ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पर कपिल ने हार नहीं मानी और एक बार दोबारा ऑडिशन दिया, जिससे उनका शो में सिलेक्शन पक्का हो गया। कपिल उस सीजन के विनर रहे और उसके बाद से ही उनका करियर चल पड़ा। कपिल की प्रायोरिटीज। शुरुआत के दिनों से ही कपिल ने अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। कपिल के फादर को कैंसर था और उनके इलाज के पैसे जमा करने के लिए कपिल दिन में 3 डिफरेंट जॉब्स किया करते थे। कपिल ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये उनके लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था, क्योंकि वो जितनी भी मेहनत कर रहे थे उतने से भी वो अपने फादर का इलाज नहीं करवा पा रहे थे। कपिल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने फादर को हॉस्पिटल में प्राइवेट बेड दिला सकें। कपिल ने पूरी कोशिश की, पर वो अपने पिता को नहीं बचा पाए। फिर जब उन्होंने अपने करियर को थिएटर से कॉमेडी में शिफ्ट किया, तो उसके बाद भी उनकी पहली प्रायोरिटी उनकी फैमिली ही रही। लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद जो पैसे उन्हें मिले थे, उससे उन्होंने अपनी बहन की शादी करवाई। फिर जैसे जैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ते रहे, वैसे ही वो अपनी माँ के सारे सपने पूरे भी करते रहे। कपिल ने अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाया, उन्हें कई फॉरेन ट्रिप्स पर लेके गए और साथ ही साथ उन्हें इंडस्ट्री के सारे मशहूर सेलिब्रिटी से भी मिलवाया, जिसमें से एक थे शाहरुख खान, जो उनकी माँ के फेवरेट एक्टर हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज। कपिल के करियर में कई कॉन्ट्रोवर्सीज रही हैं, चाहे अपनी फीमेल को एक्ट्रेस के साथ बदतमीजी करना हो या फिर अपने शूट्स को डिले करना। कपिल पिछले कुछ टाइम से अपनी कॉमेडी से ज़्यादा इन कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से न्यूज़ में रहे हैं। जैसे 2017 में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई की खबरें आई थी, जहाँ न्यूज़ में आया कि कपिल ने सुनील की तरफ जूता फेंक के मारा था। इस कॉन्ट्रोवर्सी से कपिल के शो और उनकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा। इस इंसिडेंट के बाद सुनील और बाकी कई एक्टर्स ने द कपिल शर्मा शो बीच में ही छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद शो को भी बंद कर दिया गया। अब जब 2018 में कपिल अपना नया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा से वापस आए ही थे, कि उन्होंने ट्विटर पे विक्की लालवानी नाम के जर्नलिस्ट को अब्यूज़ किया, क्योंकि कपिल का मानना था कि वो उनके बारे में हमेशा नेगेटिव न्यूज़ लिखते हैं। तो इसी के बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई, जहां कपिल जर्नलिस्ट को गालियां देते पाए गए। You can बोला नहीं बहुत सालों से। You cannot speak to me like this. You have no right. अरे मादर, तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में। It just news बिकेगी। It just shows that it just shows your upbringing, sir. Yes, my upbringing is bad. Now what to do, mother? इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के ऊपर केस फाइल किया और इसी के चलते कपिल का नया शो कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस कंट्रोवर्सी के अगले ही दिन एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जहां कपिल ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति साइमंस और नीति साइमंस, जो उनकी मैनेजर रह चुकी हैं, दोनों के खिलाफ हरासमेंट और मनी एक्सटॉर्शन का केस फाइल कर दिया। कपिल का कहना है कि नीति ने उनके साथ 25 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। वहीं रिप्लाई में नीति ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कपिल अभी ठीक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है और अपनी बात को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। डिप्रेशन। फिरंगी मूवी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कपिल ने कन्फेस किया था कि वो डिप्रेशन में थे और बहुत शराब भी पीने लगे थे। इसी वजह से उनके सारे शूट्स कैंसिल हुए, जिसके कारण वो और डिप्रेशन में चले गए। अब रिसेंटली दोबारा उनका कहना है कि वो डिप्रेस्ड हैं और उनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है। सबका मानना है कि इन सब चीज़ों की शुरुआत सुनील और कपिल की लड़ाई से हुई, पर सुनील ने कपिल को कुछ भी गलत नहीं कहा और अभी भी सुनील उनको बेस्ट ऑफ हेल्थ विश करते नज़र आते हैं। कपिल की सक्सेस और उनका फेलियर।
अपने स्ट्रगलिंग डेज में 300 रुपए के लिए शो करने वाले कपिल रिसेंटली ही हर एपिसोड में 50 से 70 लाख रुपए कमाया करते थे। उनके शो की रेटिंग्स भी हमेशा टॉप पर रहती थी। पर अब कपिल की लाइफ में सब कुछ बिगड़ता नजर आ रहा है। उनकी रीसेंट फिल्म फिरंगी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। कितनों का मानना है कि कपिल अपनी सक्सेस की वजह से एरोगेंट हो गए हैं और अब वो डिप्रेशन से लोगों की सिंपथी पाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि ये कपिल के करियर का सबसे खराब वक्त है, क्योंकि उनके कंपेटिटर्स अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं और कपिल का करियर डाउनफॉल पर चल रहा है। हम तो यही कहेंगे कि अगर कपिल अपने इश्यूज को सॉल्व करें और इन कंट्रोवर्सी से दूर रहें तो जल्द ही वो दोबारा लोगों को हंसाते हुए नजर आएंगे और शायद ऐसे ही हम भी उनको देखना चाहेंगे। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।